नमस्कार दर्शकों, द न्यूज इंडिया में चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर बीजेपी नेता की पत्नी की हत्या की गई है। और राहुल जो कि बीजेपी नेता है, उन्होंने बताया है कि जब वे जा रहे थे, इसी दौरान बदमाशों ने गाड़ी रोकी और स्नेहलता की गोली मारकर हत्या कर दी है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी युवा मोर्चा के नेता हैं राहुल सिंह और अन्य पांच पर स्नेहलता की हत्या का अब मामला दर्ज किया गया है, जो कि स्नेहलता के पिता ने करवाया। उनका कहना है कि राहुल लगातार उनकी बेटी को सताता था और उसी ने षड्यंत्र रचकर उनकी बेटी को मरवाया है और इस मामले को लेकर अब उन्होंने शिकायत दर्ज करवा दी है। राहुल ने कहा है जबकि कि बदमाशों ने लूटपाट की घटना के चलते स्नेहलता को गोली मारी, हालांकि उसने रोकने की कोशिश की तो उसे भी गोली मार दी। वहीं माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, दहेज के चलते उनकी बेटी को मारा गया है। ये भी उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी कमाती थी, मायो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती थी और उसे 28,000 वेतन मिल रहा था, लेकिन फिर भी लगातार कार की मांग हो रही थी राहुल के घर की ओर से और इसी के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इसमें राहुल को मुख्य आरोपी बनाया गया है और जांच की जा रही है।